मेट्रो जनपद की आवाज। नमस्कार, जालौन मेट्रो में आपका स्वागत है। पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी कला निधि नैथानी एवं पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इरज राजा के द्वारा जनपद जालौन में सुरक्षा शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दृष्टिगत आज देर शाम थाना कोतवाली उरई क्षेत्र में भारी पुलिस बल के साथ नगर उरई के मुख्य मार्गों, बाजार, भीड़भाड़ वाली जगहों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया एवं लोकसभा चुनाव 2024 व आरक्षी लिखित परीक्षा से संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जालौन मेट्रो संवाददाता रवि कांत द्विवेदी की रिपोर्ट। भ्रमण रहा है जिसमें आने वाली जो परीक्षा है सिपाही भर्ती की 17 और 18 तारीख को, उसके संबंध में, इसके अलावा आने वाले लोकसभा चुनाव के संबंध में समस्त तैयारियों का यहाँ पे जायजा लिया गया है और जनपद की तैयारियाँ जो कुछ छोटी मोटी बातें थी उसको भी बता दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जनपद एकदम कॉन्फिडेंट है इन दोनों बड़े इवेंट के लिए और जनपद की तैयारियां भी पूरी हैं। इसके अलावा यहाँ थाने पर आकस्मिक फील्ड पर देखने के लिए यहाँ पर अभी भ्रमण किया गया, थाने के अभिलेख देखे गए हैं। ये बड़ी कोतवाली है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर अपराध का पंजीकरण होता है, इसकी कैसे उचित मॉनिटरिंग की जाए उस पर विशेष फोकस रहा। साथ ही फरियादी जो हैं विशेष तौर से महिलाएँ हैं, वृद्ध हैं, उनके साथ उचित व्यवहार रहे और कैसे जो है एक तो अपराध पंजीकरण हो, पंजीकरण होने के बाद जो विवेचना वाला पहलू है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, वांछित वारंटियों की उचित संख्या में गिरफ्तारियाँ होती रहें। इसके बाद पूरे क्षेत्र का अभी हम लोग पैदल भ्रमण करेंगे कानून व्यवस्था के दृष्टिगत और सभी को बता दिया गया है पूरे फोर्स को कि व्यावसायिक दक्षता के साथ जो है जनपद में अपने कार्य से जनता में पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसमें इजाफा करें। सर, पुलिस परीक्षा पेपर होना है, इसको लेकर क्या तैयारियां, कोई विशेष निर्देश दिए? जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके अनुसार यहां पर तैयारियां चल रही हैं और वो पूरा भर्ती बोर्ड के जो निर्देश आते हैं उसके हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। कुछ मिसक्रियंट्स होते हैं जैसे सॉल्वर गैंग वगैरह जो पूर्व में सक्रिय रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है, उन पर नज़र रखी जा रही है और ये जो अपने केंद्र की जो तैयारियां हैं वो केंद्र व्यवस्थापक उनके द्वारा देखी जाती हैं। इसके अलावा कंट्रोल रूम स्थापित है, पूरा वीडियो कवरेज उसका चलता रहेगा और इसमें कोई भी फेक आई कार्ड या इस तरह की चीज़ें यदि इस्तेमाल करता है तो उसको एफआईआर करने की निर्देश है। सभी को कहा गया है कि पूरा इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और जितने भी इस तरह के लोग फर्जीवाड़ा करने वाले उन पर विशेष कार्रवाई की जाए। ओके, थैंक यू।